हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब भी अच्छे होंगे, आप भी होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या आपको क्या पढ़ना है, क्या रिविजन करना है, क्या फील्ड कवर करना है। और न्यू मेंबर के लिए यहाँ पर हम बता देना चाहते हैं, अगर आप लोग यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो आप इस टास्क को फॉलो कर सकते हैं, जिससे अपनी तैयारी को और ज्यादा इम्प्रूव और एनहांस आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सुबह डेली 8 बजे बताया जाता है कि आज आपको क्या पढ़ना है, क्या रिविजन करना है, क्या मैपिंग टास्क कवर करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि आज आपको क्या कवर करना है। तो आज आपकी यहाँ पर तैयारी का 35वां दिन देखने को मिलेगा और आज 17 अगस्त है। तो आज आपको हिस्ट्री क्लास 10th एनसीईआरटी, जिसका नाम है इंडियन कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड पार्ट 2, आपको देखने को मिलेगी। ओके, इसका आपको देखिए इकाई और इंग्लिश में इसको जो सेक्शन बोलते हैं, तो सेक्शन सेकेंड है। कल आपको सेक्शन 1 पढ़ने के लिए दिया गया था, तो आज आपको सिर्फ और सिर्फ एक सेक्शन पढ़ने के लिए दिया जा रहा है, सेक्शन आपको सेकंड पढ़ना है। ओके, तो इकाई द्वितीय जो है वो आपको पढ़ना है हिंदी मीडियम वाले। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 3 अध्याय यानी कि 3 चैप्टर या फिर 3 लेसन आप लोगों को पढ़ने हैं यहाँ पर। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि चौथा, पांचवा और छठा सिर्फ इनको रीड करने हैं, जैसे आप लोग एक स्टोरी पढ़ते हैं, नॉवल पढ़ते हैं, उसी तरह से आपको सिर्फ सिंपली पढ़ना है। आपको ज्यादा इसके नोट्स वोट्स कुछ भी नहीं बनाने, जिसके बनाने होंगे हम आपको बता देंगे, लेकिन बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है और टाइम टू टाइम इसका रिविजन भी आपको करते रहना है। और देखिए इसके अलावा देखिए रिविजन टास्क क्या है। तो रिविजन टास्क आपको टास्क नंबर 3 जो दिया गया था, कल आधा रिविजन करने के लिए दिया था और आधा आज आपको रिविजन करना है। तो टास्क नंबर 3 में हम आपको क्या दिए थे, आप लोगों ने नोट किया होगा, तो इसीलिए इस टास्क को नोट जरूर किया करिए कॉपी पर। हम आपको टास्क नंबर 3 में दिए थे ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 8th की, तो उसको आप लोगों को रिवाइज करना है। ओके, लास्ट मंथ में आप लोग के पढ़ने के लिए दिए थे, वही आपको रिविजन भी करना है। और यहाँ पे एडिटोरियल आज का जो भी न्यूज़पेपर होगा, हिंदी या इंग्लिश का जो भी आप लोग पढ़ते हैं, उसमें आपको एडिटोरियल एटलीस्ट एक एडिटोरियल पढ़ना है। ओके, चलिए हम लोग देख लेते हैं मैपिंग टास्क में आप लोगों को क्या कवर करना है। तो मैपिंग टास्क में आपको एशिया की कुछ फिजिकल लोकेशन है जो आपको यहाँ पर कवर करने के लिए दी जा रही है। तो देखिये यहाँ पर आपको कल हम आपको पढ़ाए थे, तो कुल्लून सान आपको देखने को मिलेगा, तो आप आराम से समझ जाएंगे कि यहाँ पर आपको एक कुल्लून सान आपको देखने को मिलेगा। ओके, फिर देखिए यहाँ पर बयान हर शान। अब देखिए यहाँ पर हमने एक मैप बनाया है, ये इसी के अनुरूप आप लोगों को चलना है, तो आपको सारी लोकेशन मिल जाएंगी। देखिए इससे थोड़ा सा आप लोग इस तरह से पूरब में जाएंगे तो आपको बयान हर शान आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ओके, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। इसके अलावा फिर देखिए आपको किन लिंग आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये लिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रेंज, मतलब लंबी सी जो श्रृंखला होती है उसी के लिए चाइनीज में और जो थाई भाषा होती है उसमें बोला जाता है। तो ये किनलिन है, ये आपको थोड़ा सा और पूरब में जाएंगे तो इस तरह से आपको दिख जाएगा। ये तीनों लोकेशन इस तरह से आपको एक क्रम में देखने को मिलेगी। और देखिए आपको जो बयान हर शान है ना, इसके आप लोगों को नॉर्थ में जाएंगे तो यहाँ पर किनलियन शान देखने को मिलेगा, और आप इसके अगर साउथ में आएंगे मतलब दक्षिण में आएंगे तो आपको यहाँ पर डेक्स्यू शान आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए थोड़ा सा आप लोग ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर किनलियन शान देखने को मिलेगा, और साउथ में थोड़ा सा आएंगे तो इस तरह से यहाँ पर आपको डेक्स्यू शान आपको देखने को मिल जाएगा। मैं एकदम साइड से हट जाता हूँ जिससे आप लोग एक बार इसकी लोकेशन देख लें। और देखिए इसके अलावा यहाँ पर बोई शान और यहाँ पर नान लिंग है, ये कहाँ पर है ये आप लोग इधर देखेंगे। देखिए मैं एकदम हट जाता हूँ तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पर ये बोई शान यहाँ पर है, और थोड़ा सा इसके साउथ में आएंगे तो आपको यहाँ पर नान लिंग आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, और थोड़ी लोकेशन है, और यहाँ पर फिर लगभग में जो फिजिकल लोकेशन है वो आपकी फिनिश हो जाएंगी। इसके अलावा देखिए आपको ये हिंदू कुश, तो हिंदू कुश तो आप पहले भी देख चुके हैं, तो हिंदू कुश आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, भारत के एकदम आप लोग नॉर्थ में चले जाइए तो आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो इसकी लोकेशन देखिएगा कि हिंदू कुश किस किस देश के बीच में है और आपको कहाँ पर इसकी लोकेशन देखने को मिलेगी, तो आपको ये अफगानिस्तान में आपको हिंदू कुश देखने को मिलेगा। देख रहे हैं अफगानिस्तान में भी हमारे देश में मतलब हिंदू कुश के नाम से पर्वत श्रृंखलाएं आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए हिंदू कुश आपको देखने को मिलेगा। फिर आप लोग पामीर की जो संधि कल आपको पढ़ाए थे, तो इसके ऊपर देखिए यहाँ पर इस तरह से पामीर की संधि देखने को मिलेगी। फिर काराकोरम रेंज, जो ट्रांस हिमालय की जो आपको रेंज देखने को मिलेगी, इस तरह से काराकोरम रेंज है। फिर देखिए यहाँ पर ग्रेट हिमालयन रेंज आपको देखने को मिलेगी, इस तरह से आपको ग्रेट हिमालयन रेंज आपको देखने को मिलेगी। वैसे हम हिमालय का भी वर्गीकरण करेंगे जब आपको और ज्यादा डिटेल में भारत के पढ़ाएंगे तब। ओके, इसके अलावा देखिए यहाँ पर विंध्यन रेंज देखने को मिलेगी, तो इस तरह से देखिए यहाँ पर इस तरह से विंध्यन रेंज है। ओके, ये क्या है, विंध्यन रेंज आपको देखने को मिलेगी। फिर बीच में देखिए नर्मदा नदी इस तरह से जाती है, क्या है, नर्मदा नदी इस तरह से जाती है। फिर आपको सतपुरा रेंज देखने को मिलेगी, इधर क्या है, इस तरह से सतपुरा रेंज है। फिर इसके इधर क्या है, तापी नदी इस तरह से निकलती है। ओके,
तो इस तरह से आपको लोकेशन देखना है। फिर देखिए आपको वेस्टर्न घाट देखने को मिलेगा, ईस्टर्न घाट देखने को मिलेगा। तो ये वाला है, ये वेस्टर्न घाट है, ये आपको ईस्टर्न घाट इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी लोकेशन आपको यहाँ पर भारत के अंदर देखने को मिल जाएगी। कुछ भारत के आप लोग उत्तर में जाएंगे, एकदम बाहर चले जाएंगे, तो आपको देखने को मिलेगा जैसे कि जो पामीर की संधि आपको देखने को मिलेगी, और हिंदू कुश आपको देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा और सारी लोकेशन आपको भारत के अंदर ही देखने को मिलेगी। लेकिन ये दो देखिए, अराकोम योमा है और ये साथ में पेगु योमा है। ओके, ये कहाँ पर, ये म्यांमार में आपको देखने को मिलेगी। देखिए हम इरावदी नदी आपको पढ़ाए थे म्यांमार में, थोड़ा थोड़ा तो याद होगा। तो इरावदी जो नदी है, देखिए इस तरह से मैं यहाँ पर बना हुआ नहीं है, मैं साइड से हट के एकदम बना देता हूँ। देखिए मानते हैं इरावदी नदी इस तरह से जाती है। ओके, अब देखिए इरावदी नदी जाती है, तो इधर आपको एक इस तरह से रेंज देखने को मिलेगी और इधर एक तरह से रेंज देखने को मिलेगी। तो देखिए अराकोम योमा है वो आपको देखने को मिलेगी, जैसे नदी जो बह रही है तो नदी उधर से आ रही है, तो आपको देखने को मिलेगा जो राइट साइड में है, तो राइट साइड में अराकोम योमा देखने को मिलेगा, और लेफ्ट साइड में नदी इरावदी नदी आ रही है, उसके लेफ्ट साइड में क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर पेगु योमा देखने को मिलेगा। अगर हम नॉर्थ साउथ की बात करें तो आपको ये नॉर्थ में देखने को मिलेगा, ये साउथ में देखने को मिलेगा, यानी कि ये उत्तर में है, ये आपको दक्षिण में देखने को मिलेगा, और बीच में क्या है, इस तरह से इरावदी नदी बहती है इन दोनों के बीच में। तो इस तरह से आपको फिजिकल लोकेशन को नोट करनी है एटलस में। देखने के बाद में हम आपको सारी लोकेशन बता देते हैं, फिर भी अपने एटलस को खोल के देखिए। हम हैबिट आपकी डालना चाहते हैं कि एटलस को आपको खोल करके बार बार देखना है, 10 मिनट 15 मिनट डेली हैबिट में ला लीजिए, तो आपका एटलस क्या हो जाएगा, एकदम आपका प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, इसके अलावा देखिए आपकी इस तरह से ये सारी एनसीईआरटी आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए दी जाएंगे, सुबह 8 बजे टैक्स मिल जाता है। इसके अलावा देखिए आप लोगों के लिए 3 बेंच डे ऑफ कोर्स लॉन्च किए गए हैं, इनके टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं, 3 बजे और आपकी 6 बजे से आपको 2 लाइव क्लासेस होती हैं, दो दो घंटे की क्लासेस होती हैं। यहाँ पर अभी आप लोगों को वैसे हमने 1-2 दिन के लिए आपको 3 बजे भी इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए बोला है, क्योंकि इकोनॉमिक्स फिनिश होने वाला है इस वजह से। इसके अलावा आपको एक करंट अफेयर की क्लास है, वो शिवम सर के द्वारा दी जाती है, वो कभी भी रिकॉर्डेड क्लास मिल जाती है, वो लाइव क्लास नहीं होती है, ये दोनों लाइव क्लासेस होती हैं। ओके, इसके अलावा देखिए संडे को आप लोगों का विजन का टेस्ट है, 2023 के लिए सॉल्व कराया जा रहा है, नई टेस्ट सीरीज जो आई है अभी 2023 के लिए पीटी के लिए, वो सॉल्व कराई जा रही है। इसके अलावा कोई डाउट होता है वो भी आपका क्लियर किया जाता है संडे को। और आपको एवरी मॉर्निंग 8 AM आपको देखने को मिलेगा टास्क ऑफ द डे। ओके, टास्क ऑफ द डे जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं, इसी तरह से आपको डेली सुबह 8 बजे मिल जाती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। यहाँ पर आप लोग प्लेलिस्ट में आएंगे तो यहाँ पर देखिए अलग से सारी प्लेलिस्ट इस तरह से बनी हुई है, जिस भी बैच को आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक फॉर्म फिल करना होगा, तो फॉर्म फिल करने के लिए देखिए सबके आई कार्ड है वो बन गए, जो लोग फॉर्म फिल कर देते हैं उनका 1 वीक के बाद में फॉर्म मतलब फिल होने के बाद में आई कार्ड बन जाता है। तो बहुत सारे लोगों ने एडमिशन ले चुके हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरा का पूरा, कि कोई भी 1 रुपए फीस आपको नहीं देनी पड़ेगी इस बार। ओके, तो आपको ये देखने को मिलेगा, ये वाली जो वीडियो है, ये वाली वीडियो जाकर के देख लीजिए, इसी में लिंक दिया रखा है फॉर्म का। ओके, इस सेम थंबनेल जो लगा हुआ है हमारे चैनल पे विजिट करेंगे तो वहां पर आसानी से मिल जाएगा आप लोगों के लिए। चलिए इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह से अपना प्यार दिखाते रहें। ओके।